तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो सेटिंग करने के बाद है उसके बाद रिज़ल्ट आपके आँख के सामने है। इस तरीके से रोटोवेटर चल रहा है, पूरी प्रॉपर सेटिंग इसकी जो तरीके से होती है उसको हमने पूरी तरीके से हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात के अंदर यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों ये जो आप जॉन डीयर देख रहे हैं 5310, मैं आज आपको इस पर हमारे जो मैकेनिक हैं एक्सपर्ट हैं, मतलब जो प्लाउ के, कल्टीवेटर के, इनके और रोटोवेटर के, तो आपको मैं उसकी पूरी तरीके से एक एक डीपली जानकारी बताऊंगा कि रोटोवेटर को चलाने से पहले मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों की सावधानी रखना चाहिए और किस तरीके से इसको ट्रैक्टर पे इसकी सेटिंग होती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये 6 फीट का ये जो रोटोवेटर है, अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ ऐसी हस्ती से जो मतलब इसके किंग कहा जाता है। और आप देखेंगे कि इसकी किस तरीके से सेटिंग की जाती है चलाने से पहले। किसान भाइयों, जो भी आपको मतलब आप इतनी डीपली तरीके से बताया जाएगा आपको, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। तो भाई साहब, आप अपना परिचय दें और आप हमारे किसान भाइयों को पूरी तरीके से संतुष्ट करें कि रोटोवेटर चलाने से पहले मतलब किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है और क्या इसकी सेटिंग क्या है। तो आपका नाम बताएं। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम मनोज है, मैं प्रभात कृषि से टेक्नीशियन हूँ। तो इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर जो भी बनाती है कंपनी, सभी ट्रैक्टर कंपनियाँ बढ़िया बनाती हैं। आपको सेटिंग सिर्फ मेन होती है इम्प्लीमेंट की सेटिंग, आपको किस ट्रैक्टर पे क्या सेटिंग करना है। आजकल लगभग तो सभी थ्योरी एक होती है, पर कुछ कुछ ट्रैक्टरों में अलग अलग इम्प्लीमेंट पे अलग अलग थ्योरी होती है। जैसे अभी बात कर रहे हैं अपन रोटावेटर की, ये 6 फीट का रोटावेटर है। ये आप इसको 50 हॉर्स पावर से लेके 55-60 हॉर्स पावर में 16 के टायर तक इस इम्प्लीमेंट को चला सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, किसान भाई भी इस चीज़ को आराम से कर सकते हैं। इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रोटावेटर आदमी सोचता है रोटावेटर ये नहीं, आपको सिर्फ थोड़ी सावधानी के साथ और थोड़ा सेटिंग के साथ इन दोनों चीज़ों पर फोकस करके आपको गाड़ी पर ट्रैक्टर पर आपको इसको ड्राइव करना। सबसे पहले आ जाते हैं अपन ट्रैक्टर की सेटिंग और रोटावेटर की सेटिंग पे। आपको कुछ नहीं करना, आपको लोअर लिंग जो दे रखी है दोनों टांगे, लोअर लिंग हाइड्रोलिंग, इनको आपको सेम बराबर करके रखना है। ये वाली लोअर लिंग और लोअर लिंग, ये इन दोनों को आपको बराबर रखना है कि इम्प्लीमेंट अपना सीधा उठे। उसके बाद आ जाती है अपने लिंकेजिंग, ये होती है अपने चेक चेन जो पत्तों से अपने अटैचमेंट होती है। आपको इनको क्या करना है, इनको जब भी इम्प्लीमेंट आप घर से चलें या सेटिंग करें, आप इम्प्लीमेंट को पूरी हाइट करके पहले उठा लें। उठाने के बाद इन चेक चेनों को दोनों को बराबर फुल टाइट कर लें। ये टाइट करने का दे रखा है, इनको आपको इससे फुल टाइट करना है, दोनों चेनों को बराबर टाइट कर लें कि अपना इम्प्लीमेंट जब हिले इतना हिले कि 1 इंची उधर जाए और 1 इंची इधर जाए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड सिर्फ 1-1 इंची हिलना चाहिए। ये आगे अब टॉपलिंग की बात आ गई। ट्रैक्टर में क्या रहता है, रोटावेटर में आपको गहराई सेट रोटावेटर से होती है ना कि ट्रैक्टर से। आपको ड्राप का कोई काम ही नहीं, ट्रैक्टर आपके ड्राप काम करेगी नहीं, इसलिए जहाँ जो ट्रैक्टरों में ड्राप नहीं मिलती है उस पर आपको टॉपलिंग का लिंकेज लेना है। बाकी की ये दो सेंसिंग जो दे रखे हैं इन्होंने ट्रैक्टर पे, ये दोनों ड्राफ्ट के लिए हैं जिसमें आप कल्टीवेटर, वक्खर, प्लाउ जो चला सकते हैं। रोटावेटर एक ऐसी चीज़ है जिसको ड्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इससे ट्रैक्टर का ड्राफ्ट लेता है, रोटावेटर खुद अपना ड्राफ्ट खुद लेता है। आपको टॉपलिंग लगा लेने पर जहाँ ट्रैक्टर का बिल्कुल सेंसिंग बहुत कम से मिलती है, बस वहीं आपको अटैचमेंट करना। आ जाते हैं रोटावेटर के ऊपर, ये रोटावेटर का मेन गेयर बॉक्स है। इसके अंदर आप चाल कम करते हैं, चाल ज़्यादा कर सकते हैं, गेयर लगा सकते हैं। अभी आपको 21-24 का गेयर होगा इसके अंदर, 21-24 का हटा के आप 24-21 कम करेंगे तो आपके इंजन आरपीएम से लेके आपकी रोटावेटर की शाफ्ट की आरपीएम ऑटोमेटिक यहाँ से बदल जाएगी। उसके बाद आपको इधर 3 गेयर यहाँ दे रखे, आइडल गेयर, ये आइडल गेयर दे रखा है, मेन गेयर, आइडल गेयर और एक अपना सॉफ्ट गेयर, ये तीनों गेयर दे रखे हैं। इससे क्या रहता है, आपके रोटावेटर पे जो भी कभी झटका लगता है उससे आपका रोटावेटर डैमेज नहीं हो। और इधर आ जाइए, इसके ऊपर ही खासियत गहराई की, तो रोटावेटर की गहराई का कोई ज़्यादा मोह नहीं होता, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रिक। ये स्टिक टाइप की होती है, यानी हॉकी की तरह स्टिक टाइप का उपयोग करा जाता है। पूरी गहराई का दामोदार अपने रोटावेटर का इसी के ऊपर होता है। आप इसको जितना ऊँचा कर देंगे यहाँ से बोल्ट खोल के और यहाँ ये बोल्ट खोल के आप इसको ऊपर चढ़ाएंगे, ये गहराई उतनी ही ज़्यादा लेगा। जितना आप नीचे करेंगे जो भी आपको पर्याप्त गहराई चाहिए, आपको उस हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। अब रही बात मट्टी मुहिम करने की, आप आरपीएम बढ़ा लगा देंगे इनके रोटावेटर के, आरपीएम बढ़ाएंगे तो आपको मिट्टी करीबन करीबन ये
इस साइज की भुरभुरी भुरभुरी मिट्टी आपको मिल जाएगी। आप कहते हैं कि किसी का आता क्या यार हमारे में मोटे ढीमड़े आ रहे हैं, ढीमड़े भी बड़े दे रहा है, मुही मिट्टी नहीं कर रहा है, तो ये कुछ मिट्टी की नमी के कारण भी होता है और कुछ मिट्टी की ज़्यादा पर। लेकिन ये ध्यान रखें ब्लेड सही है आपकी, गेयर बॉक्स में आपने गेयर चेंज कर लिए, इंजन आरपीएम आपको रखना कितना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद रोटावेटर के आ जाते हैं इंजन के ट्रैक्टर के आरपीएम पे। जैसा देखा जाए ये ट्रैक्टर जॉन डियर है 53 से 55 हॉर्सपावर का इसका आरटीओ होता है। उसके बाद आपको इस ट्रैक्टर से अपेक्षा का भी इसके आपका 40 का भी होता है, 45 का भी और 50 का भी। इन ट्रैक्टरों पे 6 फीट का रोटावेटर अवेलेबल है, सही रहेगा क्योंकि ज़्यादा ट्रैक्टर पे भी लोड ना पड़ना चाहिए और ट्रैक्टर का भी अपना मोशन बना के चलना चाहिए। तो आपको मैं इसका आरपीएम बताता हूँ कि कहाँ से बेनिफिट होता है इसका। किसान भाइयों, जैसे किसान भाइयों कह रहा था हर ट्रैक्टर में डिजिटल मीटर आजकल कन्वर्ट कर दिया कंपनियों ने। इसके अंदर आप देखते जाते तो ये होता है जो कांटा दिख रहा है ये आरपीएम होते हैं अपने, इनको अपन ने हर आरपीएम को आपको इंजन आरपीएम दे रखा जो अपना 500 से स्टार्ट होके अपना 3000 के ऊपर कन्वर्ट है। पर लेकिन आपको गाड़ी यहाँ तक में अपना रोटावेटर नहीं चलता, हमेशा ध्यान रखना डिजिटल मीटर जो भी लगा हो उसके ऊपर आपको एक पीले गियर दे रखा हो, ई ये लगा रहा है ई, देखा है इंजन आरपीएम और ये पीला गियर। आपको हैंड एक्सीलेटर से आपको ये आरपीएम आपको हैंड एक्सीलेटर के ऊपर 1700 के ऊपर लाके आना पड़ेगा। इसके बाद इसको 540 आपको इसकी आरपीएम पीटीओ पावर मिलेगी। उसके बाद चलो तो आपको हमेशा हैंड एक्सीलेटर पे ही चलाना है आपको, ना तो इसको फुट एक्सीलेटर से कभी भी उपयोग नहीं करना। कोई सा भी इम्प्लीमेंट हो आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ट्रैक्टर में एक ऐसी है कि जो आपको हैंड एक्सीलेटर देता है, अन्यथा किसी ऑटोमोबाइल गाड़ियों में हैंड एक्सीलेटर नहीं होता है। आगे अब गियर की बात, आपको पीटीओ करने के बाद आपको गियर सिलेक्ट करना है कि अपने को गियर कौन सा उपयोग करना है। रोटावेटर के लिए कम से कम जितना धीरे चलेगा रोटावेटर उतनी ही मिट्टी मुहिम करेगा। आदमी के द्वारा मेरा रोटावेटर इतना मुहिम नहीं कर रहा है और मेरा ट्रैक्टर इतना डीजल ले रहा है, तो आप हैंड एक्सीलेटर चलाएंगे तो आपके एवरेज में भी फर्क पड़ेगा। आपको गियर मैचिंग जो कर रखा है आपने सिलेक्ट करा वो गियर को सिलेक्ट करके चलाएंगे तो भी आपको एवरेज में बहुत सुधार मिलेगा। तो अब इसको ए बी सी इसको 3 प्लेटफॉर्म पे दे रखा है गियर बॉक्स को, लोग हाई लो मीडियम वो भी बोलते हैं पर अपन ए बी सी में बता देते हैं। ए होता है बिल्कुल लो, बी होता है अपना और सी होता है हाई। इन तीनों गाड़ी में से आपको ए लेना है, मतलब कि आपको सबसे लो गियर में लेना है। फिर आ जाइए अपने मेन गियर बॉक्स के लीवर पे, आपको इसके ऊपर या तो आपको इम्प्लीमेंट चला रहा है रोटावेटर चला रहा है तो आपको एक पे चलाना पड़ेगा फर्स्ट गियर पे, एक के फर्स्ट गियर पे चलाना पड़ेगा। और उसके बाद ऐसा आप कुछ और इम्प्लीमेंट चला अलग अलग सिलेक्टेड, अधिकतर प्लाऊ के लिए दो नंबर होता है और रोटावेटर के लिए एक नंबर होता है, ये लगा लिया। उसके बाद आप ये भी कन्फर्म, इतना कन्फर्म करने के बाद आपको फिर क्या देखना है कि आपका पीटीओ क्लच सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने को ये करना है कि पहले पुश क्लच प्लेट को पूरा फुल डिग्री चेक कर लेना है। ये आपने मेन लीवर को दबा दिया, उसके बाद आपका ये भी क्लच ही है, आपका ये क्लच आपने दबा दिया, ये रिटर्न नहीं आना चाहिए, आप पैर हटा दें चेक कर लें रिटर्न नहीं आ रहा तो अपना क्लच सही काम कर रहा है। उसके बाद इसका पीटीओ गियर आपको लगाना है, आपका पीटीओ गियर ये रहा लीवर, ये आपका पीटीओ गियर लीवर ये पीछे की तरफ कर देंगे तो ये इंगेज हो गया। आप इसी को डिसइंगेज कर सकते हो करना चाहते हो, लेकिन हर ट्रैक्टर में अलग अलग होती है। इस ट्रैक्टर में आपको सिर्फ जॉन डियर में आपको हैंड एक क्लच का जो दे रहा है सिर्फ इसी को न्यूट्रल करना है, गियर को न्यूट्रल नहीं करना, गियर को एक बार लगा के इसी को काम करना। इससे क्या रहेगा आपके गियर पे मैचिंग करने पे झटके नहीं लगेंगे, सिर्फ आपको क्लच ही न्यूट्रल और इंगेज और डिसइंगेज करना है। बस इन खूबियों के साथ हमारे रोटावेटर मुहिम मिट्टी मुहिम अच्छे चलाता है, आपका एवरेज बचेगा इसमें, आपका डीजल बचेगा, डीजल बचने के साथ साथ आपके जो भी पार्ट्स हैं आपका मेंटेनेंस है वो आपको बाखूबी बहुत अच्छा मिलेगा। बस सिर्फ कुछ चीज़ों की सावधानी चलाना है और कुछ चीज़ों की सेटिंग करके चलाना है, अन्यथा बहुत अच्छी चीज़ होती है फील्ड के लिए। आज किसान के पास हर चीज़ के लिए टाइम की कमी है और यहाँ तक चलो आजकल ये अच्छा हुआ ट्रैक्टर लाइन में आपको अच्छे अच्छे इम्प्लीमेंट मिल गए जिससे कि आप अपनी खेती खेती को
सुचारू रूप से सही तरीके से बना सकते हैं, खेतों को सही तरीके से बना सकते हैं। इसी के साथ तो भाई साहब मैं आपको ये बताऊंगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए आप ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और पसंद भी करें और अपने कमेंट्स भी दें। और आगे भी मैं अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, अगली बार और भी बनाऊँगा तो आपको मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे, हम आपको बिल्कुल आपकी सेवा में देंगे। इसीलिए किसान भाइयों से आपसे मेरी विनती है कि आप इन वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को इसको लाइक करें। हम हमारी अलग अगली वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं पिलाव के संबंधी, अभी क्या है कि कुछ दिनों बाद अब पिलाव का सीज़न आने वाला है, तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगली वीडियो जो बनाऊँगा पिलाव की सारी जानकारी है अच्छी तरह से हर किसान को मिले, और खुद घर बैठे किसान खुद अपनी वीडियो देख कर, वीडियो करके या हमारी वीडियो को देख कर आपको पिलाव की सेटिंग करना है। आप 99% वीडियो से ही मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है, आप उनसे ही सेटिंग सीख सकते हैं। कोई नॉर्मली सेटिंग होती है, कोई ज़्यादा नहीं होती, पर लेकिन अच्छा है आप उन सेटिंगों को करना जरूर। और मैं अगली वीडियो जब डालूंगा तो अपने प्रभात पिलाव के में जरूर डालूंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कमेंट करें।